हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे रेगुलर लैंग्वेज पर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और ये नॉर्मल पूछा जाएगा कि ये रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जैसे कि ए की पावर यम लैंग्वेज इक्वल टू ए की पावर यम बी की पावर एन, एम कामा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स, हमें कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों इंडिपेंडेंट हों तब हमारा क्या, इसका सबसे पहले हम एक डीएफए ड्रा कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने Q0 दे दिया, या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, Q1। और यहाँ पर अगर मान लो हमारी n को 0 मान ले रहे हैं, तो हम m, यहाँ हमारा a आ जाएगा, एंड इसको एप्सिलॉन हम दे करके इनपुट, और यहाँ पर हमारा b इनपुट हो जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए, हमारे m एंड n दोनों पॉजिटिव हो गए, तो a और b दोनों एग्जिस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज है, बिकॉज यहाँ पर देखो एम एंड एन में कोई रिलेशनशिप नहीं है कि यम हमारा एन पर डिपेंड नहीं है, तो इसलिए ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज है। अब ऐसे आप डीएफए बनाना और उसमें यही देखना कि अगर उसमें कोई इन दोनों जो लास्ट में हमारे एलिमेंट है, इसमें अगर डिपेंडेंसी ना हो तो हमारी रेगुलर लैंग्वेज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब फ्रेंड्स, जिसकी ये क्वेश्चन हमें देख करके ही पता लगता है, मैंने आपको क्या बताया इसमें क्या, जैसे हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि उसमें हमने दो डीएफए बना लिए थे, और इसमें हम तीन डीएफए बना लेंगे, ऐसे तीन डीएफए। अब यहाँ पर क्या, Q0, Q1 एंड Q2। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमारे एम, इसमें क्वेश्चन में क्या बताया है कि एम एन एंड क्यू जो है हमारे, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो हम एक बार एन और क्यू को 0 ले रहे हैं, तो हमारा केवल क्या बचेगा, ए बचेगा। तो इसलिए हमारा ए पर एक सेल्फ लूप हमने लगा दिया। अगर हम इन दोनों को 0 मान रहे हैं, फिर हम एप्साइलेंट दे करके, मीन्स अगर हमारा केवल क्यू 0 हो जाए तो ए एंड बी बचेगा। तो हमने ए के लिए बना दिया डीएफए, अब हमने हम बी के लिए बना दिया। उसके हमने फ्रेंड्स, हम तीनों को एक बार पॉजिटिव ले लें, तो यहाँ पर एप्सिलॉन दे करके यहाँ पर हमने सी मान लिया। ऐसे हम एक बार एम को जब मानेंगे, एम को हम 0 मानेंगे, तो हमारा केवल बी बचेगा, तो हमारा बी का लूप लगेगा। फिर अगर हमारा बी यानी एन एंड क्यू दोनों पॉजिटिव रहेंगे, एम 0 हो जाएगा, तो हमारा ऐसे बी एंड सी के लिए हो जाएगा। ऐसे एक बार हमारी एम एंड एन पॉजिटिव अगर 0 हो रहे हैं, तो हमारी सी के लिए लूप बन जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर एम और एन एंड क्यू, ये दिन आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है कि एम एंड क्यू हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा डीएफए नहीं बनेगा, या क्यू 0 हो गया तो हमारा डीएफए नहीं बनेगा। नहीं, डीएफए हमारा बनेगा। तो इसलिए ये तीनों इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, इसलिए ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज है। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ कि एक लैंग्वेज दी गई, ए की पावर x1 बी की पावर x2 डॉट डॉट जेड की पावर x26। इसमें क्या कहा कि जो हमारा एक्स आई है वो ग्रेटर देन 0 है, आई हमारा ग्रेटर देन 0 है, और आई की लिमिट इन्होंने क्या लगा रखी है, 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन 26। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, एक बार एक्स वन के लिए ले रहे हैं, एक्स को एक बार वन सॉरी एक को एक्स बार हम 0 मान लें, क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा है। तो एक बार हम 0 जब करेंगे, तो हमारा डीएफए ऐसे, डीएफए हमने केवल ए के लिए बना लिया। ये मैंने ए के लिए ड्रा किया है ऐसे। फ्रेंड्स, अब हम बी के लिए कर लेंगे, क्योंकि एक बार हमने ए को पॉजिटिव ले लिया, अब हम बी के लिए करेंगे। तो बी के लिए करेंगे, तो यहाँ पर एप्सिलॉन दे करके ये हमारी हो गई Q1, और यहाँ हमने बना दिया बी। अब फ्रेंड्स, ऐसे करके हम एक बार बी Q0 लिया, यहाँ पर ए के लिए, ए के लिए किया, फिर बी के लिए किया, ऐसे करते 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 जो हमारा लास्ट स्ट्रिंग बनेगी Q5, तो वहाँ पर क्या होगा, जेड हो जाएगा। मीन्स क्योंकि 25 भी क्यों, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया, 26 तक लेना था हमें लेस देन आर इक्वल टू, हमने 1 से स्टार्ट किया 26। तो फ्रेंड्स, ये हमारी यहाँ पर क्या है कि जो हमारी स्ट्रिंग है इन दोनों के बीच में, ये स्ट्रिंग हमारी 1 से और 26 के बीच में ही है। मीन्स ये हमारी फाइनाइट स्ट्रिंग है, इसमें कोई लंबी स्ट्रिंग तो बनेगी नहीं, तो इसलिए ये हमारी क्या है, एक रेगुलर लैंग्वेज है। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमारी लैंग्वेज गिवेन होती थी और हमें मशीन डिजाइन करना रहता था,
मशीन डिजाइन करके बताना चाहता है कि ये रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं है। अब क्या होगा, आगे चल करके हमें लैंग्वेज गिवन रहेगी और हमें उसके लिए मशीन बनाना, हमें मशीन गिवन रहेगी सॉरी, और हमें उसके लिए लैंग्वेज डिजाइन करना रहेगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।